अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती भाई। पता नहीं लोग कहते हैं हमको पता नहीं, तो थोड़ा सा अभी मैं देख रहा था कि मैम को देख रहा था, आजकल बड़ा फेमस हुआ है कि जब किसी लेडीज को देखता है उसको काटने दौड़ता है, जैसे कि मैम है ना, तो थोड़ा सा मैम आई जरा एक बार मैं देखना चाहता हूँ, काटेगा नहीं आपको आरी भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार आई तो उसकी शक्ल देखी। अच्छा आरी भैया थोड़ा सा उधर रहिए, आरी भैया थोड़ा सा उधर रहिए, आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लीजिए, चलो दादी यहां खड़े हो, मैं यही यही खड़ा हो रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए सारा सारा आज मैं इसका ये देखना चाहता हूँ कि लड़कियों देखिए काटता कैसे। अच्छा जब वीडियो रिकॉर्ड होता तब नहीं काटता है भाई साहब, और जब वीडियो नहीं चलता रहता देखता हूँ तुरंत काटने के लिए दौड़ता है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं काटता कैसे। मैम थोड़ा सा आगे नहीं, एक बार हम सर भैया के पास आई, मेरे पास आई, अभी दौड़ेगा, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती भाई साहब, मैं हिल गया, बच गया, बच गया, चलिए ठीक है इधर आइए, इधर आइए भैया, इधर आइए अब, और क्या सुपर जबरदस्त की सीन थी भाई साहब, आज तो एकदम पूरा माहौल ही खड़ा हो गया यहाँ पे, जैसा कि अभी तक हम लोग देखे रहे थे वीडियो में कि काटता कैसे है, तो यहाँ पे देखिए दीदी जी आई हुई है इंटरव्यू करने के लिए, भैया जी के पास अगर कोई भी लड़की आ गई भाई साहब उसकी खैर नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म की कहानी है, तो अभी हमारे पास मौजूद यहाँ पे आ रही भैया, तो आपसे पूछना चाहेंगे पिछले जन्म में भाई साहब आपके साथ इसका क्या रिश्ता था, कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? ये हमको पता नहीं, पर बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में आरिफ भाई की ये गर्लफ्रेंड ही थी भाई साहब, क्योंकि पिछले जन्म में बिछड़ गए रहोगे, हो सकता है मोहब्बत में मिल ना पाए हो, तो इस युग में, इस कलयुग में आरिफ भाई को एक पक्षी के रूप में मिला, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्योंकि इसको जलन हो जाती है, अगर कोई लड़की आरिफ भाई के बगल आ जाता है तो इसको जलन हो जाती है, जलन के मार उसको तुरंत दबोच के काट के जरूरत है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो आरिफ भैया एक सवाल मेरा आपसे है कि अभी आपकी फिल्म भी आने वाली, देखते हैं, कई सारे डायरेक्टरों से बातचीत चल रही है भोजपुरी में, हिंदी में, और अभी आरिफ भाई की मूवी आने ही वाली है, तो सब बेसब्री से आपसे लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते रहिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा अपडेट आपको हमारे चैनल में मिलते हैं, तो वो सब तो हम जानते हैं कि आपको घायल मिला, कि आपने काफी अच्छे से देखभाल की, उसके बाद अब ये सिंगल कर लेंगे आपका इंटर। आप इसी टॉपिक पे बता दो जो काटने के सिलसिला इसका है, तो भैया काट रहा है, आइए एक बार पास आइए फिर से, हाँ आप कटवा दो, नहीं काटेगा निशान देके जाएगा फिर तो, ये तुम बोलते भी हो क्या सारस, तुम बोलते हो क्या, माइक दीजिए हाथ से, माइक दीजिए, माइक कहाँ जाएगा, बोलोगे देखेगा इधर काम नहीं, देखो यार थोड़ा पीछे हो जा, मेरे से भी दोस्त घर बना, इधर का बना, छोड़ दिया रे भाई, छोड़ दिया रे भाई, तो मैं बहुत ज्यादा डर रहे यार, सब ये नहीं डरते, तुम डरते हो, नहीं डरते, कोई नहीं डरता यार, यहाँ ये देखिए चाचा जी हमारे पीछे खड़े हैं, ये देखिए सलाम कैसे, सलाम कर दिया कि जो हो सकता था उनके धर्म में वही इलाज किए इसका, उसके बाद हम सोच रहे थे, कभी नहीं सोचे थे मेरे साथ रहने का, होने के बाद अपने परिवार में नहीं गया, मेरे साथ रहने लगा। इसका परिवार कहाँ था? इसका परिवार कहीं जंगल में रहता है, दूर कभी कभी दिखाई देते हैं, 6-7 महीने में, तो बेटा तो ये ग्रुप के साथ रहते हैं? हाँ ग्रुप के साथ रहते हैं, तो अब आपके साथ रहते हैं? मेरे साथ रहते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, मतलब आपसे कैसे इसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई, मतलब सिर्फ इस वजह से कि आपने इसका ख्याल रखा? हाँ ये भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म की मेरी गर्लफ्रेंड, पुनर्जन्म की गर्लफ्रेंड, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन आरिफ जी आप हमें बताइए कि जैसे कि हमने सुना कि अखिलेश जी आपसे मिलने आए थे, है ना, तो क्या बातचीत हुई इनसे आप? भैया मिले, हमसे मिले, इनसे मिले, हम लोग लखनऊ बुलाए हैं। अच्छा किस पर्पज से, कुछ आगे का सोचा है? बोले लखनऊ आना, जैसे कि उन्होंने बताया कि पिकॉक जो है वो नेशनल पक्षी है, और सारस को उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल पे ये जो स्टेट भैया भैया जब सरकार थी तो वही बताया, जैसे कि तो क्या लगता है कि आगे आपका क्या प्लान है इनके साथ? अब वहाँ जाएंगे तो भैया बताएंगे। वो उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर के मंडका गांव में किस तरह से लोगों को सीख दे रही है, हमें इनसे सीखना चाहिए कि जब एक जानवर एक इंसान से मोहब्बत कर सकता है तो हमारे इंसानों की मोहब्बत कहाँ चली गई है, सही बात है या नहीं दोस्तों? ठीक है, तो चलिए और आपको दिखाएंगे सारा जी के साथ कुछ बीते हुए पल, वाले लोग मतलब पहन के खड़े हैं कि मुझे पहचान रहा है, खाने नहीं भैया बहुत दूर से आए हैं, ला है ये ना भैया, ठीक है बहुत मोहब्बत है, ठीक है।
फोटो खींचे रहा है वीडियो बनाना फोटो खींचे वीडियो बनाना है वीडियो खींचे।